देखिए बाराबंकी चंपत के डीएम साहब इस गौ आश्रय की हालत, करिए कुछ ठोस कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी चंपत के फतेहपुर तहसील के ग्राम बिलौली हजरतपुर में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। जब हमारे संवाददाता वहां के गौ आश्रय पर पहुंचे तो कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला कि ना ही वहां पर हरा चारा उपलब्ध कराया जाता है और ना ही पशुओं की देखभाल की जाती है और सब पीछे साइड पड़े रहते हैं और उसे ढकने वाला भी कोई नहीं। फिलहाल इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गायों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, जगह जगह गौ आश्रय खुलवा रहे हैं, तो वहीं बाराबंकी चंपत के डीएम साहब भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे। और डीएम साहब आप भी देखिए कि किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है और आपके जनपद में कुछ इस तरह की हालत है। फिलहाल यहाँ के स्थायी लोग क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। नाम क्या है? हमारा प्रेमचंद नाम है। किस गाँव के निवासी हो? ये जगदीशपुर बिलौली। बिलौली, आपके गौ आश्रय केंद्र जो बना है, गौ आश्रय गृह बना है, इसमें क्या व्यवस्था है? बहुत से जानवर हैं, बहुत से जानवर मर रहे हैं, इसी बारे में क्या मैं कहना है आपका? व्यवस्था सब कुछ होती है, लेकिन जो भूसा और आता है ये चुकरा, हाँ, सब बिक जाता है। अच्छा। हाँ, उसे खाद भी बेच लेते हैं, लेकिन चारा पानी कुछ नहीं देते हैं। ये जो है हरा चारे की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हरा चारा कोई है ही नहीं व्यवस्था। हरा चारा कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये संज्ञान में शिकायत मिली है कि यहाँ पर जानवर बिल्कुल मरते हैं, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, बाहर फेंक देते। तो यहाँ के स्थायी लोगों की बातें सुनकर के आप या तो समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रशासन व सरकार द्वारा जो भी गौ आश्रय में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, यहाँ के प्रधान भाई साहब बेच कर उसे खा जाते हैं। अब देखना यह कि बाराबंकी जनपद के डीएम साहब इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखना है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एपीएल न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेगी एपीएल न्यूज 24 पर सबसे पहले। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।